नमस्कार दोस्तों, महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण की मांग को लेकर शुरू हुआ आंदोलन हिंसक में बदल गया है। यह मराठवाड़ा इलाके के 8 जिलों में फैल चुका है, कई और जिलों में भी प्रदर्शन हो रहे हैं। लेकिन आज सीएम एकनाथ शिंदे ने सुबह सुबह एक सर्वदलीय बैठक बुलाई है और इसी को लेकर 7 बड़े अपडेट आपके साथ शेयर करने वाले हैं, तो वीडियो अंत तक जरूर बने रहेगा। तो दोस्तों, इस बैठक को लेकर शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय रावत ने कहा है कि उनकी पार्टी के इस बैठक में नहीं बुलाया गया है और हमारे पास 16 विधायक और 6 सांसद हैं, लेकिन हमें नहीं बुलाकर ऐसी पार्टियों को बुलाया गया है जिनके पास एक विधायक है या फिर एक भी नहीं है। और वहीं दोस्तों, सूत्रों के मुताबिक परभणी और भीड़ जालना में आज इंटरनेट सेवा पूरी तरह से बंद कर दी गई है, जबकि भीड़ और नादेड़ और पंडापुर में आज सुबह से बस सेवा को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। तो दोस्तों, इससे जुड़े 7 बड़े अपडेट आपके साथ शेयर करने वाले हैं। सबसे पहला अपडेट, आंदोलन के नेता मनोज जागरे ने कहा है कि आधा नहीं पूरा आरक्षण लेंगे और कोई भी ताकत आ जाए महाराष्ट्र में मराठा नहीं रुकेंगे। विधायकों सांसदों को आरक्षण मिलने तक मुंबई रहना चाहिए। वहीं दूसरा अपडेट है, सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा है कि मराठा समाज बहुत ही लोकप्रिय तरीके से आंदोलन कर रहा है और कौन भड़काने का काम कर रहा है, आगजनी कर रहा है और इस पर सरकार की पूरी तरह से ध्यान है। तीसरे अपडेट में, मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे ने मनोज जानगे पार्टियां के लेकर लिखित अनशन छोड़ने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि आप जिस मांग के लिए अनशन कर रहे हैं राजनेताओं को, उनके लिए कोई लेना देना नहीं है। चौथे अपडेट में, डिप्टी सीएम देवेंद्र ने मंगलवार 11 बजे राज्यपाल रमेश बैस से राजभवन में मुलाकात की। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने सोमवार रात राजभवन जाकर राज्यपाल से मुलाकात की थी। वहीं बीड़ कलेक्टर दीपा मुधोल और मुंडेन ने कहा है कि कई जिलों में इंटरनेट सेवा को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है, दुकानें और मार्केट भी बंद किए गए हैं। वहीं दूसरी ओर बसों की सेवा को पूरी तरह से ठप कर दिया गया है। तो दोस्तों, ये थे मराठा आंदोलन से जुड़े कुछ अपडेट। तो दोस्तों, मराठा आंदोलन से जुड़ी हर छोटी से बड़ी खबर के अपडेट जानने के लिए बने रहिएगा चैनल के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जय हिंद दोस्तों।